आज भाई सोहेल भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। यहाँ आपका दिल करता है, अब तो आप ही का पैसा लगा हुआ है। सोहेल भाई घर भी चले जाया करो, कोई जिम में रहते हो आप, क्या कमाल है, मतलब जोरदार तालियां बजती जरा, मतलब तीनों भाई फिट तो हमेशा से रहे हैं, पर मैं आज सोहेल भाई को बड़े दिनों बाद मिला, पूरी भाई नाड़ियां बाहर आ रही हैं, पूरे नूडल्स दिख रहे हैं, देखो आप। ऐसे सवाल मन में आया था कि भाई कितना वक्त मिल पाता है आप तीनों को साथ में, आज तो हमारा टीवी शो में आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, लेकिन इतना टाइम अक्सर आपको मिलता है कि आप महीने में वैसे कितनी बार इकट्ठे होते भाई? दिन में तीन बार। दिन में तीन बार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो नेले पे दला मारा गुरु। यार ये ना कॉलर थोड़ा ऊंचा कर दिया। नहीं कॉलर ऊंचा नहीं हुआ, ये नीचे हुआ कॉलर। ओके, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। सलमान भाई, अरबाज भाई, सोहेल भाई इकट्ठा होते हैं तो बड़े सारे सवाल मन में आते हैं कि यार तीनों सगे भाई हैं, बचपन से लेके आज तक बड़ा सारा काम भी साथ में किया, साथ में स्कूल में भी पढ़े होंगे भाई, ऐसा बचपन में तो लड़ाइयां भी होती है ना सोहेल भाई? जी। तो आप सबसे छोटे हो, मतलब मैं आपस की नहीं बात कर रहा, स्कूल में कभी कभी होता है ना कि स्कूल में किसी छोटे भाई को किसी ने बुली कर दिया, किसी ने डांट दिया, मार दिया, तो बोलते ना कि मैं बड़े भाई को लेके आता हूँ, आप लेके गए कभी सलमान भाई को? नहीं, एक दिन स्कूल में नहीं, बैंडस्टैंड पे एक झगड़ा हो गया था। मैं बैंडस्टैंड से वापस आ रहा था और कोई घर के नीचे ही खड़ा होके, कुछ फैंस होते हैं जो अटेंशन के लिए गालियां देते। अच्छा। तो मेरे सामने खड़े होके कुछ फैंस जो है गालियां दे रहे थे। अच्छा। और पहले वो एक से शुरू हुआ तो मैंने सोचा मैं पंगा ले लेता हूँ, एक ही तो खड़ा है। फिर जब मैंने पूछा उसको ऐसे, तो यार यहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, यहाँ सोसाइटी में है, तो गालियां क्यों दे रहा है? फिर पांच छह लोग आ गए, वो एक ग्रुप में थे सब। अच्छा। और जो दरवाजा खोल के मेरे को मारा है उन्होंने, मतलब मेरे बिल्डिंग के बाहर मुझे मार रहे थे, तो वॉचमैन जो है वो आके उसने मदद नहीं की, वो ऊपर भागा। वो ऊपर भागा, उसने जाके फिर वॉचमैन है ना, ये ओनली वॉचेस काम होता। फिर देखो, फिर उसके बाद सलमान भाई आए और लेकिन फिर शॉर्ट आउट हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा अपसेट डैडी थे। वो काफी पिट के गए वो वहां से। मुझे एक रिएक्शन पता है जहां उसने मुझे एक बाम्बू से मारा पीठ पे, तो होता है ना हमारे जो हमारी फिल्मों में रिएक्शन होता है, फाड़। हां ऐसा नहीं था, मारो था। ये एक्चुअली बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल ये वो जलता है ना पीछे, वो आवाज ही ये वो नहीं, ये जब और उसकी वजह से पिटे वो, बाकी का गुस्सा नहीं था? नहीं नहीं, तो फिर पुलिस आई, पुलिस ने उनको जेल लेके गए, फिर हमको बुरा लगा कि पार्टी चल रही थी उनकी, एक ऐसा हो गया उनसे, तो हम गए, हम ही ने उनको जेल से छुड़ाया। अच्छा। डैडी और मैंने, फिर आते वक्त याद है जिप्सी थी मेरे पास, तो वो पीछे बैठे मुझसे बोलते हैं कि भाई अगर कोई डेयरिंग वेयरिंग का काम होएगा ना तो अपने को बोल लेगा क्या। कपिल, मुझे आपको ये कहानी बतानी। हम लोग शूटिंग कर रहे थे औजार के, और वहां पाजी कुछ क्राउड वाउड में कुछ बदतमीज लोग थे, एंड दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग शाउटिंग, और उसकी वजह से शूटिंग रुक गई। हम एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे और वहां करीबन 100 फाइटर्स थे, तो जब ये बढ़ता गया ऐसे, यार भाई ये अब हमको बचने के लिए झगड़ना पड़ेगा, बिकॉज और कोई जगह नहीं यहां से निकलने के लिए। बोला ठीक है, तो वहां थोड़ी सी स्कफल शुरू हो गई, और देख रहा हूं क्या जो मेजोरिटी है वो वही हमें धो रहे। वहां भी मार खाया। और रात को पैकअप हुआ और सब हमारे जो आर्टिस्ट है, टेक्नीशियंस है, ब्लू ब्लैक ग्रीन सब हो गए। तो भाई ने वो महेंद्र वर्मा को बुलाया और महेंद्र वर्मा को बोला कि यार फाइटर्स थे हमारे साथ, 100 फाइटर्स थे, मार कैसे खा हम लोग ने, हम लोग ये प्रॉब्लम क्या हुआ?
तो मैं आपको बताता हूँ फाइटर्स की जो मेंटालिटी है. कम भाई तेरे सुर टेक ही नहीं मैं दिल्ली कम यू टेक इट फाइटर्स असली बंदे मारने में आए हाँ नहीं फाइटर्स फाइटर्स ओके मैं हूँ फाइटर आप हो फाइटर मैं फाइटर हूँ ओके और आपसे लड़ना है ओके आपसे लड़ना है अभी फाइटर्स क्या है उनको मिस करने की आदत है तो अभी जो अगर आप सही झगड़े में पड़े आओ तो उनकी जो मेंटालिटी है उनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो ट्रेनिंग ऐसी हुई कि आप मिस करो तो लाज मारना नहीं है कैसे होगा कभी अगर किसी फाइटर ने आपको कनेक्ट कर दिया ओ पाजी सॉरी पाजी 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 सॉरी पाजी कर दे उनकी नौकरी नहीं चले जाए तो उनकी आदत है वो ट्रेनिंग है मिस करना जो सामने की पार्टी थी वो तो दनादन कनेक्ट कर रही थी और ये स्टाइल कैसे दूध में मैं रह सकती दूध में मैं रह सकती शक्ति में मेरा कपूर ऊपर गुलशन नीचे ग्रोवर बीच में सोनू सूद बच्चा तू बच्चा तू बच्चा ये क्या दूध दूध लगा रखा है कप्पू शर्मा एक बात साफ साफ समझ लीजिए क्या ये दूध है ना हमारा बिजनेस है एंड माय बिजनेस इज माय बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस सर इधर भी ब्रांडिंग की है बच्चा दूध सर आपका फिल्म का डायलॉग है सोचा कि आपके सामने पेश कर दूं बच्चा सर सच एन ऑनर सर सोहेल जी सर सच ए प्लेजर मतलब सर इसे कहते हैं खानदान ना इत्तेफाक का बात देखिए आप लोग खान भी हैं दान भी बहुत करते हैं खानदान सही मायने में खानदान है यार बड़ा मजा आ रहा है सर सर आई एम ए बिग फैन ह्यूज ह्यूज फैन है सर आपके क्या बताएं सर साथ साथ में हमारी ये फुलझड़िया है ना ये भी आपकी बहुत बड़ी फैन है जी हाँ सर मतलब ये तो किक मारे बिना दूध तक नहीं देती है सर कुछ दिन पहले आपका ये जो सुल्तान फिल्म में आप लंगोट पहने थे ना उसका ऑक्शन हुआ था हमको फोर्स करी के चलो चलो ऑक्शन में जाके लंगोट खरीदना हमसे खरीदवाया देखे पहन कर आइए आपके ए बच्चा झूठ बोल रहा है ये तो नकली है अप्पू शर्मा आपको पता है ये नकली है हमको पता है नकली है भाई साहब को थोड़ी पता है कि नकली है लेटर एंजॉय मजा आता है सर वैसे सर हमने अपना ना एक न्यू सिद्धू जी ब्रांड लॉन्च किया है बड़े सही दिन पे आए हैं आप हमने अपना खुद का दूध का ना प्रोडक्ट निकाला है क्या बात है इट्स कॉल्ड बच्चा मिल्क बच्चा दूध देखिए सर बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है मतलब कमाल का दूध है आप यकीन नहीं करेंगे ये ऐसा पैकिंग किया है हमने और ये जो आपको चोटी लग रहा है ना यहाँ से दूध पी सकते हो क्या थॉट है सर इनोवेशन देखिए इनोवेशन और ये दूध में बहुत ताकत है सर इतना ज्यादा ताकत है कि बुजुर्ग आदमी पी लेना तो जवान हो जाए और जवान पी ले तो बच्चा हो जाएगा दूध पीने से बच्चा नहीं होता है कप्पू शर्मा FYI, for your information, दूध पीने से बच्चा नहीं होता है शादी करना पड़ता है और अभी कुछ टेक्निकलिटीज हैं नया नया शादी किया है बच्चा बॉर्निंग प्रोसीजर के बारे में भी कुछ पता नहीं कैसा आदमी है यार लेकिन सर अरबाज सर सोहेल सर सलमान सर आपको बता रहे हैं हमारा ये जो दूध है इसमें बहुत ज्यादा आयरन है 10 दिन तक आदमी लगातार पी लेना तो 11वें दिन तो चुंबक आपको खींच लेगा ए झूठ बोल रहा है आयरन कहां से आ गया पानी मिलाता दूध में तू अब तो दूध में पानी मिलाएंगे कुंडली मिलाएंगे क्या दूध में कैसा बात करता है यार आदमी he has no knowledge but I forgive him he's a friend it's okay चलिए सलमान जी सच्चाई बात यह है सोहेल जी कि हमारा जो दूध है ना वो ऐसा वैसा दूध नहीं है बहुत क्वालिटीज है उनके अंदर सबसे बड़ा क्वालिटी सर आपको बताएं यह दूध पीने से ना शांति फैलता है पीस हार्मनी इन द वर्ल्ड वो कैसे देखिए सर क्या होगा
दो आदमी के बीच में झगड़ा होता है तो सामने वाला एक आदमी तो पक्का बोलेगा कि माँ का दूध पिया तो सामने आया, अब सामने वाले ने माँ का दूध नहीं पिया बच्चा का दूध पिया है तो सामने नहीं आएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.